अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और गौशा को शॉपिंग करनी थी, वो दो दिन बाद जाने वाली है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ शॉपिंग मॉल में। तो ये पैंटालून का शोरूम था, तो बहुत ही अच्छा यहाँ का कलेक्शन था। कुर्तियाँ, टॉप, जेगिंग्स, लेगिंग्स सारे हर रेंज में था। और यहाँ मैंने पहली बार आया था और यहाँ कुछ बहुत ही अच्छा इसका कलेक्शन था, मुझे काफ़ी पसंद आया। बहुत सारी चीज़ें गौशिया ने शॉपिंग की है यहाँ पे। उसके बाद शॉपिंग करने के बाद यहाँ हम लोग उसके पास ही एक नया रेस्टोरेंट खुला था, डैडीज़ रेस्टोरेंट। तो वहीं हम लोग आ गए हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा स्नैक्स खाना था। तो यहाँ हम लोग ने ऑर्डर किया था चिकन चिल्ली और चाउमिन का। तो बहुत ही टेस्टी यहाँ का खाना भी था। तो शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर पे आ गए थे, काफ़ी देर हो गया था। तो अब मुझे खाने की तैयारी करनी थी, तो यहाँ आज मैं बनाऊंगी मटन। तो बहुत ही झटपट बन जाने वाला ये मटन रेसिपी है, जिसे आप मिहारी मटन भी कह सकते हैं। तो जब आपके पास टाइम नहीं हो तो झटपट में बनाना हो तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बस यहाँ मैंने 1 किलो मटन को वॉश कर लिया है, उसमें 5 से 6 प्याज थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन इससे ये नहीं होगा कि मीठा होगा। ये बहुत चटपटा सा चिकन मटन बनता है। तो 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने मिर्चा पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आधा टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको क्रश किया हुआ ही लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 1 चम्मच भर के पेस्ट डाला है। लहसुन को क्रश करके डालेंगे। 4 से 5 हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली और 2 जो है बड़ा बड़ा लहसुन, इसी तरह बस धो के हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देना। और मिक्स भी मैरिनेशन की तरह नहीं है, बस इसे हम 5 मिनट इस तरह से रख देंगे बस। उसके बाद जो है हम कुकर लेंगे, कुकर में मैंने तेल ऐड किया है, तो इसे सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो मुझे जब झटपट के बनाना रहता है तो मैंने बाहर एक चूल्हा हाई फ्लेम वाला रखा हुआ है, उसी में मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें 2 तेज़पत्ता, 3 सूखा मिर्च, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 1 जावित्री को हम थोड़ा सा क्रैक होने देंगे आधा मिनट तक। तो इसको सरसों तेल में बनाने से जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद जो हमने मैरिनेशन किया था मटन का, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और इस पे जो है ना ये चूल्हा पे बहुत ही जल्दी झटपट बन जाता है, क्योंकि इसका फ्लेम बहुत हाई है। तो ज़्यादातर नॉन वेज इस पे ही मैं बनाती हूँ, या प्याज व्याज फ्राई करना हो या फिर भुनना उना हो चिकन उकन को। तो उसके बाद मैंने यहाँ ढक के थोड़ा 5 मिनट तक पकाया है। इस तरह हमें 2 बार ढक ढक के पकाना है, यानी कि इसे भून लेना है पूरे अच्छी तरह से, क्योंकि हमें बाद में नहीं भूनना है, बस इसे अच्छी तरह से जब तक हम इसे भूनेंगे जब तक इसे ऑयल रिलीज ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पूरा ऑयल रिलीज हो गया है। अब इसमें जो है 2 टमाटर हम इसी तरह से डाल देंगे धो के। तो आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन वो इसके साथ गल ही जाएगा। तो मैंने 2 टमाटर बस इस तरह से इसमें डाल दिया है वॉश करके। थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से पाउडर ऐड कर देंगे और इसमें जितना पानी रखना हो वो डाल देंगे। तो पानी इसमें कम ही जाता है, तो मैंने यहाँ 1 कप के लगभग पानी डाला है। अच्छे से इसको हम ढक्कन लगा देंगे और फिर जितना देर में ये पकता हो, गलता हो अच्छे तरह से, हम इसे पका लेंगे। तो 10 मिनट में ये मटन मेरा गल गया था। तो देखिए तलने के बाद ये कितना अच्छा तैयार हो जाता है, बहुत ही टेस्टी। मैंने मंगाया था मीशो से बेड टेबल, तो ये मैंने आयान के लिए मंगाया था, वो बेड पे कभी कभी लिखता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा है, ये ब्लैक कलर का है। अगर आप बच्चों के लिए मंगाना चाहते हैं तो इस पे पेंट वगैरह का भी मिलता है, मतलब पिक्चर बना हुआ। तो देखिए ये इस तरह से है फोटो, इस तरह से ये खुलता है और इसमें आप बॉटल रखने का, और यहाँ पे इस तरह से ये है बना हुआ जिसपे आप मोबाइल या फाइल वगैरह रख सकते हैं, और इसमें बोतल वगैरह रखने का है। और ये जो है एक स्टडी इस तरह का, जिस तरह से अलमीरा अलमीरा पूरा वुडन का तो नहीं है ये, लेकिन जो मिक्स वाला रहता है उसी का ये बना हुआ है। दोनों तरफ एक ही तरह से है फैब्रिक। और ये जो है आयरन का तो नहीं है, बस इस तरह से जो हमारे टेबल वेबल वगैरह रहते हैं वो उसी तरह से बना हुआ है।
इसके बाद इसको ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, जो कहीं पे आप रखेंगे तो ये इस तरह से गिरेगा नहीं, ग्रिप है ये अच्छा है। और सबसे अच्छी बात इस मीशो की ये होती है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट से सस्ता देता है, ये जो है 350 रुपये में है, बहुत ही अच्छा है। अगर मैंने अमेजन और फ्लिपकार्ट देखा तो ये 500 का था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हल्का है, बहुत ही अच्छा हेवी है और अच्छा से, मतलब कि अच्छा हेवी और मजबूत है। उसके बाद मैंने एक और चीज़ दो मंगाई है, तो ये बैंगल्स मंगाया था, तो साथ ही मैं इसे ओपन करके, तो ये देखिए ये बैंगल्स है, तो ये 130 का था और इसमें एक पे एक सेट फ्री था, तो ये इसके साथ ये फ्री था। ये भी बहुत ही अच्छा है डेली वेयर में, या फिर आप चूड़ी के ऊपर नीचे भी लगा के इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैंने मंगाया था, तो मैंने मीशो से पहली बार शॉपिंग की और मुझे बहुत ही पसंद आया ये। उसके साथ मैंने ये ऑक्साइड जो ये जो है ये सेट मंगाया था, देखिए आपको दिख रहा है, इसमें जो है ग्रीन और ब्लू स्टोन लगा हुआ है छोटा छोटा, और इसके सब इस, और ये देखिए ईयरिंग इसकी कितनी खूबसूरत है। तो ये दोनों अलग अलग भी आप पहन सकते हैं, जैसे कि आप प्लेन कुर्ती पे इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है, साड़ी पे किसी चीज़ पे भी, और इसको ईयरिंग्स को भी आप अलग सिर्फ पहन सकते हैं और ज़्यादा साथ भी पहनेगा। मैंने इसे पहना था, बहुत ही अच्छा लगा था, मैं पिक्चर इसकी लगा दूंगी। तो ये भी बहुत सस्ता है, 140 का आया, ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल हल्का है, लाइट वेट है और बहुत ही इसका खूबसूरत डिज़ाइन है, किसी भी चीज़ पे ये टॉप पे कुर्ती पे सूट पे साड़ी पे सब चीज़ पे ये अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा। और ये भी 140 का है। तो ये जो मेरी दोनों चीज़ है, ये तीनों चीज़ मेरी जो है 700 के अंदर है, ये तीनों चीज़ मैंने मंगाया था एक साथ और तीनों का 700 के आ गया था तीनों चीज़। तो बहुत ही अच्छा है मीशो का शॉपिंग, मैंने पहली बार किया था, मैं इसी से शॉपिंग करूँगी, बहुत ही पसंद आया मुझे। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग, प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।